press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hey, what's up guys, Sammy here and welcome to my studio. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपने मॉडल्स के लिए टेक्सचर टेम्पलेट्स क्रिएट करता हूं। जो मुझे मेन क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार अपने वीडियोस में, वो ये है कि आप टेक्सचर कहां से लाते हो या कहां से डाउनलोड करते हो। तो सोचा कि आज इसी के बारे में कोई एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्सचर क्रिएट करने से पहले आपको दो इम्पॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बात कि आपको फोटोशॉप का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और जो दूसरी बात है वो ये है कि आप किस टाइप का मॉडल बना रहे हो और उसके लिए कौन सा टेम्पलेट्स सही रहेगा। तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए आपको टेक्सचर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई टेक्सचर डाउनलोडेड है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई लेटेस्ट टेक्सचर गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में कुछ लेटेस्ट टेक्सचर का लिंक मैंने मेंशन किया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ डाउनलोडेड टेक्सचर है, मैं उसी में से कोई 3 टेक्सचर यूज़ करूँगा जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाया है रूफ़ के लिए, और 2 जो है मेरे फ्रंट वॉल के लिए जो टेक्सचर टेम्पलेट्स क्रिएट किया था, आज वही मैं रिपीट करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से करना चाहिए। तो अगर आपको फोटोशॉप का नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप सिंपली मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए।
फाइनली हमारा टेक्सचर टेम्पलेट्स रेडी हो गया है और आप इसे A4 साइज़ में A4 साइज़ ऑर्डिनरी पेपर पे प्रिंट कर लें। और अगर आप इस टेम्पलेट्स को आप अपने मॉडल्स में यूज़ करोगे तो आपका मॉडल, आपका बिल्डिंग मॉडल बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और मैं इसे हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपको पता पड़ जाएगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पेटीएम थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।